नमक एंड नींबू मिक्स होने वाला है भुट्टा में। ओए होए, अब मजा आएगा खाने में। पहले खा ले। और दोस्तों कुछ दिन बाद हम यहाँ पर खाना बनाएंगे, तो कुछ अनुभव हो रहा है दोस्तों। सच में दोस्तों आज मेरा सपना पूरा हो गया। हम कभी नहीं मतलब ऐसा कभी इमेजिन नहीं करते कि मेरे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम नहा के रेडी हो चुके हैं, और वो अभी है नहीं, गए हैं आकृति और उसी सलोनी को स्कूल छोड़ने। इतना टाइम लगता है बच्चों को स्कूल छोड़ने में? थोड़ा चल गए थे दोस्तों के साथ घूमने, और अब चूड़ी लेकर आए थे रखे हैं। अरे हम गड़बड़ से दोस्तों दूसरा वाला चूड़ी ले आए थे, हमको लाना था ये क्या बोलते हैं कांच का चूड़ी, हम ले आए थे प्लास्टिक का ना। अच्छा ये साड़ी तो चेंज है, उस दिन आप जो पहने थे तो हल्का हल्का हरा था, ये वाला तो एकदम पूरा पूरा हरा है। तो फाइनल लुक में तो बहुत प्यारी दिख रही हूँ जी। और ये बेल्ट वेल्ट भी पहनी हो? अच्छा थोड़ा साड़ी इनको संभालने में दिक्कत होता है तो ये बेल्ट यूज कर रही हैं। अभी इनको ना प्रॉपर साड़ी पहनना नहीं आता, क्योंकि ये मतलब क्या है कि जैसे लॉन्ग फ्रॉक वगैरह ये सब अक्सर ज़्यादातर पहनती थी, तो अभी नहीं नहीं जहाँ तक दुल्हन को ये सब प्रॉब्लम होता होगा, सब लगभग सबको होता होगा। जी वो तो है, ये सीख जाओगी, बाकी अभी तो लगभग मैं काफ़ी हद तक सीख भी गई होंगी। दोस्तों देखिए सुबह सुबह का प्यारा सा नज़ारा, हमारे ससुराल के पीछे ये सब दिखता है, पेड़ पौधे खेत और वो जो धान रोपाई होता है वो, और ये सब बहुत अच्छा लगता है सुबह उठकर देख कर, मस्त सीन है, गार्डन वाला फील आता है। आप लोग खुद देखिए ना कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। और दोस्तों देखिए ये मेरी जेठानी थी, भुट्टा का छिलका निकाल रही है। आइए दोस्तों आप लोग भी भुट्टा खा लीजिए। देखिए क्या यहाँ पर बोलते हैं बताइए, हमारे यहाँ मकई। और अभी हम और मेरी प्यारी सी जेठानी जी मिलकर भुट्टा का छिलका निकाल रहे हैं। अभी इतना जल्दी कहाँ पर हो गया, किस खेत में खरीद के आया है, खरीद कर से हमें लगा इधर तो खेत में हो गया, नहीं दुकान से आया है। दोस्तों अभी इतना सारा भुट्टा का छिलका निकल गया है और यही 2 बस बाकी है लास्ट, इतना ही सा था। हमारी प्यारी सी जेठानी जी को भुट्टा बहुत पसंद है, लाइए झोला उसी में रख दिया, आप अपने वहाँ लेकर चले जाइए। अभी हम लेकर चले जाएंगे। नहीं जी अभी इसको किचन में रख देते हैं। और ये देखिए दोस्तों दीदी क्या बना रही हैं, खाना बन रहा है। अभी तो दाल सब्जी बन रहा है, चावल बाकी है, रोटी बाकी है। वो किसका सब्जी है? वो करेले का है। करेले का? आपको करेले का सब्जी पसंद है? हाँ पसंद है, मतलब मुझे करेले की सब्जी पसंद है, ऐसा नहीं है कि हम मुझे कुछ पसंद नहीं, सब कुछ पसंद है, सब खाते हैं, ऐसा नहीं है, क्या है? सब कुछ खाते हैं। अच्छी बात, हमारे घर में भी ऐसा ही है सब लोग। ये नहीं कि भाई नहीं पसंद है तो नहीं खाएंगे, वो नहीं पसंद है नहीं खाएंगे, यही खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों कुछ दिन बाद हम यहाँ पर खाना बनाएंगे। ये रहा मेरा न्यू किचन, इतना बड़ा है किचन, एक रूम है। इधर से इतना रूम भी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों नया किचन कैसा लग रहा है जिसमें हम खाना बनाने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, एक रस्म होता है यहाँ का जिसे नई दुल्हन को चूल छुड़ाना कहते हैं, मतलब पता नहीं, हाँ अभी को याद आया, सासुमा मुझे बोले थे कि इधर का एक कुछ रस्म होता है जो नई दुल्हन होती है उसे पहले चूल को टच करना रहता है, जिसे पहली रसोई कहते हैं, तो वो पहले होगा उसके बाद हम खाना बनाएंगे अपने घर की तरह जैसे अपने मायके में बनाते थे। दोस्तों ये आई थी तो कह रही थी कि हम 12 बजे खाना खाते हैं, यहाँ के माहौल में ऐसे ढल गए हम लोग के साथ में, तो कह रही है अब 9 बजे हम खाते हैं। इनको 8-9 बजे ही भूख लग जाता है हम लोग के साथ में, जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे ये भी यहाँ के। जैसे दीदी जी को इस हिचकिचाहट हो रहा है ब्लॉग में बोलने के लिए, वैसे मुझे भी हो रहा है सेम, कैमरे के सामने हमको डर लगता है बोलने में। तो पता नहीं कहाँ से घूम कर आए लेट गए।
उधर आकृति स्कूल भी नहीं गई है, झूला झूल रही है। तो दोस्तों हम चाय और नमकीन खारी रेडी कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी वहीं पर लेटे हुए हैं। ए जी आइए ना चाय पी लीजिए, आइए वहीं पर आएंगे। दीदी तो भुट्टा भूज रही है, भाभी का भुट्टा का। हाँ तीन चार दिन से रखा था। अच्छा अच्छा, भाभी को बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों भुट्टा। देखिए तीन चार सात भुट्टा एक बार में भुजा रहा है, मजा आ जाएगा सबको। ए दीदी मजा आएगा ना लल्ला। ये क्या है? हम लोग तो इसे खारी बोलते हैं। हमारे यहाँ फैन कहते हैं। फैन 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 फैन। हाँ पीजिए 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 पीजिए, हम बता देंगे सबको। क्या दोस्तों चाय मेरे लिए आया था। खत्म किए हम दोनों। नहीं कौन जान जाएंगे। तो क्या हुआ, हम लोग चाय पी चुके हैं और दीदी इधर भुट्टा भूज चुकी। नमक एंड नींबू मिक्स होने वाला है भुट्टा में। ओए होए अब मजा आएगा खाने में। पहले खा ले। आइए जी, आपको अच्छा लगता है भुट्टा? किसके लिए रेडी हो रहा है इस बार? ये मेरी नई भाभी के लिए। चखिए देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा सच्ची में आधा खा लिया के बेरी में। हम यहाँ प्रीति जी भुट्टा खा रही हैं। यहाँ आकृति पेट पर रख के लेटी हुई है भुट्टा को। यहाँ भी सब लोग खाने में बिजी होंगे, दीदी भाभी और वो साली जी। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है और हम अपना दोस्त शामकेश और रमेश के साथ आए थे इधर तेल परवाने। तभी इतना तेल निकला दोस्तों, आधा बाल्टी पूरा एकदम निकला, कम से कम 3 किलो। ये प्योर सरसों का तेल है दोस्तों, ये मिलावट उलावट वाला नहीं है, एकदम ओरिजिनल। करे शामकेश। तो अब हम लोग घर को निकलते हैं दोस्तों। कौन से काम में लग गए रे भाई, यही सब काम करता है मुंबई में देखो दोस्तों। तो अपना दोस्त यही सब काम करता है बिल्डिंग वगैरह का। अरे भाई चट्ट देना पट्ट देना, चार टुकड़ा कर दिया। तो दोस्तों घर को निकल दिए हम और अभी घर के पास ही आ चुके हैं। ये अपना लल्ला लोग। टन टन इधर आइए जल्दी। खोली खोली उसको। खोले? हाँ खोली। क्या है? खोलिए ना आप एक बार देखिए। पहले खोलिए, हम नहीं बताएंगे, आप खुद देख लीजिए। आप पता चल गया क्या है? चूड़ी। हाँ तो कुछ अनबॉक्स हो रहा है दोस्तों। चूड़ी हाँ वही वही। तो हरी हरी साड़ी पे हरी हरी चूड़ियां नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब अच्छा लगेगा? अब अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? अब इसको पहन लीजिएगा आराम से। ये शीशा वाला ले आए हैं हम, पिछली बार दोस्तों ले आए थे, वो प्लास्टिक वगैरह वाला वो सब नहीं जच रहा था। वो बोले थे मम्मी बोली थी कि ये सब शादीशुदा लोग नहीं पहनते हैं, सिर्फ ये शीशा वाला पहनते हैं वो सही रहता है। तो हम उसको बदल के ये वाला ले आए हैं। और ये रहा हमारी अम्मा का चूड़ी, तो अम्मा को भी दे आते हैं ना। अम्मा अम्मा लाई चूड़ी है शीशा वाला, आइए ना अपना हाथ दिखाइए। पहले पहली बात तो रात हो चुका है और आप चूड़ी नहीं चेंज किए हैं, क्यों? रात तो चूड़ी नहीं चेंज करते हैं। ऐसा होता है क्या? और आज आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाले हैं ना जो आपने पूरी जिंदगी में आज तक नहीं अपने आंखों के सामने से देखी होगी। क्या दिखाएं? ये बाबू को हटाओ, तो ये गुड्डा बाबू को है? गुड्डा बाबू को हटाओ यहाँ से। ये क्यों यहाँ पर रखे? हटाइए ना कीजिए। लो साइड हो गए। अब ये दोनों हटाइए।
हटाओ ना जी, हटा रहे जी। समझ में आ रहा क्या है? क्या है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना, हल्का फुल्का। सिल्वर गोल्डन? हाँ सच जी। हाँ 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 वही है वही। कहाँ इतने दिनों से छुपा के रखे थे हमें? अरे वो आपने कभी बोला नहीं दिखाने के लिए, तो आज हमको ध्यान आया तो हम सोचे कि आपको दिखाते हैं। आपने अभी अभी तक अपने आंखों के सामने से कभी नहीं दिखा होगा। नहीं, हम फोन में देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, कैसे खुलेगा? अरे वैसे नहीं खुलेगा जी, ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है। अरे बाप बाप रे, पहली बार देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। ऐसे तो शॉर्ट वीडियो में ऐसे लोग बहुत देखे हैं, बट मेरे हाथ में नहीं सोचे थे। अरे हटाइए ना इसको, हटाइए। अरे वाह, आपकी वजह से हम ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, सच बता रहे हैं। बाप रे, ये सबको देखना नसीब नहीं होता है। बाप रे, कितना वजन है। कैसे लोग अमेरिका से आया होगा ये एरोप्लेन में कि ट्रेन में? मुझे बहुत ज़्यादा दोनों सिल्वर फ्लेवर्टन गोल्डन फ्लेवर्टन दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब सबको पसंद आता है, लेकिन हम पहली बार देखे हैं ऐसे सामने से अपने हाथों में लेकर, और ये पता नहीं कहाँ छुपा के रखे थे नौ दिनों से। अरे हमको याद नहीं आ रहा था कि आपको दिखाएं, हमको पता ही नहीं था कि अपने आँखों के सामने तब कभी देखे ही नहीं। वो तो आप आज बताएं कि हम कभी देखे नहीं अपने आँखों के सामने से, तो सोचा आपको दिखाते हैं, एक मतलब सरप्राइज करते हैं आपको। कैसा लगा? बहुत अच्छा। सच में दोस्तों, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हम कभी नहीं मतलब ऐसा कभी इमेजिन नहीं करते कि मेरे हाथ में ये सिल्वर फ्ली बटन होगा, कितना बड़ा गोल्डन फ्ली बटन होगा, बट ऐसा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपना मन सा महसूस हो रहा है। ये सब आप लोगों की कृपा से हुआ है। तो आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।